अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। एक सेब क्या गिरा, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कर ली। यहाँ इंसान रोज गिर रहा है लेकिन कोई इंसानियत नहीं खोज पा रहा। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि हमेशा बड़े कंपनी के नाम के पीछे भी लिमिटेड लिखा होता है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। बेहद हदें पार की थी हमने कभी किसी के लिए, आज उसी ने सिखा दिया हद में रहना। एक कब्र पर लिखा था, इसको क्या इल्ज़ाम दूँ दोस्तों, सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। सोच बदलने में तो सिर्फ चंद लम्हे लगते हैं, पर जिंदगी बदलने में सालों लग जाते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तो याद रखना कि ये वही पल है जहाँ से तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। याद रखे, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में लाखों लोगों का एक ही नाम है। शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं है, पर महान होने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। इस दुनिया में सम्मान से जीने का बस एक ही तरीका है कि हम वो बने जो हम होने का दिखावा करते हैं। इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी ज़िंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। जमाने की नज़र में थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो, क्योंकि मोम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा कर करते हैं सामना, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। गलतियां तो बहुत सी हुई मुझसे जिंदगी में, लेकिन जो गलती लोगों को पहचानने में हुई उसका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ। जो सच्चा सीधा और ईमानदार होता है उसकी इज्जत जीरो है, जो झूठ बोलता है और बेईमानी करता है वह सबका हीरो है। अब डर घाव से नहीं लोगों के लगाव से लगता है। जो जाहिर हो जाए वो दर्द कैसा, जो दर्द को महसूस ना कर सका वह हमदर्द कैसा। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, न समझने वाले जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। कर लेता हूँ बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ कि खुदा नूर भी बरसाता है आजमाइशों के बाद। निभाने वाला आपकी हजार गलतियाँ भी माफ़ कर देता है, और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराए अपने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरे की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। यह मत सोचो कि जमाने को क्या गंवाड़ा है, क्योंकि यह मंजिल भी तुम्हारी है और यह सफ़र भी तुम्हारा है। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हारी जहाँ भी दिखे, वहाँ संबंधों को जोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। गलत करने वाला कम बुरा लगता है, जबकि गलत का वकालत करने वाला ज़्यादा बुरा लगता है। हमारी आँख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं। सड़क कितनी भी साफ क्यों न हो, धूल हो ही जाती है, और इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, भूल हो ही जाती है।
दो तरह के लोगों से कभी रिश्ता मत रखना, एक बीजी और दूसरा घमंडी। बीजी व्यक्ति अपने समय से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में, मक्खी के सिर में और मनुष्य के मन में जहर होता है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को हमेशा सच का पता होता है। सूखे पत्तों की तरह मत बनाओ जिंदगी, वरना दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो बटोर कर आग लगा देंगे। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा।